बेंगलुरु के एक घर में रखे फ्रिज से जो कहानी 21 सितंबर को शुरू हुई थी वो 25 सितंबर की सुबह ओडिशा के भद्रक जिले में कब्रिस्तान के एक पेड़ पर लटकी लाश के साथ खत्म हो गई। पुलिस को महालक्ष्मी मर्डर केस का कातिल मिल तो गया लेकिन मुर्दा। इससे पहले कि बेंगलुरु पुलिस उसे ढूंढते हुए ओडिशा पहुंचती, उसने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस को उसकी लाश पेड़ पर लटकी मिली। कातिल का नाम मुक्ति रंजन है, जो ओडिशा के भद्रक जिले के फंडी गांव का रहने वाला था। बेंगलुरु के जिस मॉल में महालक्ष्मी काम करती थी वहीं उसके साथ काम करता था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान हुई, जान पहचान प्यार में बदली, फिर दोनों के बीच तकरार होने लगी। एक रोज ये तकरार इतनी बढ़ गई कि गुस्से में तमतमाए मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया। मुक्ति रंजन ने ऐसा क्यों किया, महालक्ष्मी के साथ उसका क्या रिश्ता था, पुलिस ने उसका सुराग कैसे लगाया, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 Digital। महालक्ष्मी मर्डर केस पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है, उस वीडियो में महालक्ष्मी के कत्ल की कहानी बताई, लेकिन कातिल कौन था इसका खुलासा नहीं हो पाया था। उस वक्त बेंगलुरु पुलिस ने कातिल का नाम नहीं बताया था, हालांकि यह दावा जरूर किया था कि जल्द ही कातिल उनकी गिरफ्त में होगा। बेंगलुरु पुलिस तेजी से मामले की छानबीन करते हुए कातिल का सुराग लगा लिया। उसका फोन ट्रेस करते हुए ओडिशा के भद्रक जिले पहुंची, लेकिन तब तक कातिल खुदकुशी कर चुका था। हालांकि पुलिस के हाथ एक डायरी जरूर लगी जिसमें महालक्ष्मी के कत्ल का राज दफन है। पुलिस इसे अहम सबूत मान रही है। डायरी से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कातिल यानी मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की हत्या की बात कबूल की है। साथ ही यह भी लिखा है कि उसने ऐसा क्यों किया। सुसाइड नोट में लिखा है, मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था, उससे प्यार करता था, लेकिन वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने उस पर काफी पैसा खर्च किया, उसका बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था। वो मुझे किडनैपिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मैं 3 सितंबर को उसके घर गया था, हम दोनों के बीच बहस हुई। इतना ही नहीं, उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना कि मैंने उसे मार डाला। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने उसके टुकड़े किए थे। गुस्से में मैंने जो किया वो गलत था, मैं डर गया था इसलिए भागकर घर आ गया। इस सुसाइड नोट से साफ है कि मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी रिलेशनशिप में थे, लेकिन महालक्ष्मी कुछ और लोगों के भी करीब थी और यही बात दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी। यहाँ तक कि दोनों की लड़ाई पुलिस तक भी पहुंच गई थी और पुलिस के चंगुल से छूटने के लिए मुक्ति रंजन को 10,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। मुक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पहले महालक्ष्मी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्से में उसी ने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया और मुक्ति के लाए हुए चाकू से ही उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। एक खास बात यह भी है कि मुक्ति ने यह सुसाइड नोट कत्ल के 10 रोज बाद यानी 13 सितंबर को लिख लिया था, लेकिन उसने खुदकुशी 25 सितंबर को की। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर मुक्ति रंजन राय का सुराग बेंगलुरु पुलिस को कैसे मिला। 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी की टुकड़ों में बटी लाश फ्रिज से बरामद हुई तब पुलिस को महालक्ष्मी का एक फोन भी मिल गया था। यह फोन 3 सितंबर से स्विच ऑफ था। महालक्ष्मी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पहली बार मुक्ति रंजन रॉय का नंबर मिला। उधर जब पुलिस ने मॉल के उस शॉप में जब पूछताछ की जहां महालक्ष्मी काम किया करती थी तो पता चला महालक्ष्मी आखिरी बार वहां 1 सितंबर को गई थी। उसी शॉप के बाकी कर्मचारियों से पूछताछ में मालूम चला कि 1 सितंबर से मुक्ति रंजन रॉय भी काम पर नहीं आया। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालनी शुरू की। मालूम चला कि 2 और 3 सितंबर को मुक्ति के मोबाइल की लोकेशन महालक्ष्मी के घर के आसपास ही थी। यहीं से पुलिस को मुक्ति पर शक हुआ। जांच के दौरान मालूम चला कि मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी के घर से थोड़ी दूर अपने छोटे भाई के साथ किराए के मकान में रहता है। पुलिस वहां पहुंची तो घर पर मुक्ति रंजन का छोटा भाई सत्य रंजन मिला। उसने पुलिस को बताया कि 3 सितंबर को मुक्ति ने फोन किया था। वो कह रहा था कि घर फौरन खाली कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। वजह पूछने पर उसने कहा कि बाकी बातें फोन पर नहीं, मिलकर बताएगा। मुलाकात में मुक्ति छोटे भाई को बताता है कि उसके हाथों एक कत्ल हो गया है, इसलिए अब वो बेंगलुरु में नहीं रह सकता।
और वो गांव जा रहा है। मुक्ति ने उसी वक्त बेंगलुरु छोड़ दिया। पूछताछ के बाद बेंगलुरु पुलिस ने मुक्ति के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी। पहली लोकेशन भुवनेश्वर में मिली, उसके बाद कोलकाता। लोकेशन पता चलते ही बेंगलुरु पुलिस की कई टीमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल रवाना होंगे। लेकिन इसी बीच मुक्ति रंजन रॉय ने अपना सिम बदल दिया, लेकिन एक गलती कर दी। उसने नया सिम अपने उसी पुराने फोन में डाला था, जिसके चलते उसकी लोकेशन अभी भी ट्रैश हो रही थी। उधर भुवनेश्वर में बेंगलुरु पुलिस की तीन तीन टीमें पहुंच चुकी थी। भुवनेश्वर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। इसी बीच 24 सितंबर की रात करीब 10 बजे मुक्ति अपने गांव पहुंचता है। वो अपनी माँ को बताता है कि उसके हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हो गया है। करीब 6 घंटे घर में गुजारने के बाद मुक्ति रंजन तड़के 4 बजे पिता की बाइक लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन अगली सुबह पेड़ से लटकी उसकी लाश मिलती है। फंडी गांव के जिस कब्रिस्तान में मुक्ति ने खुदकुशी की, वो उसके घर से महज 3 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें एक डायरी मिली। इसी डायरी में एक पन्ने पर मुक्ति के हाथों लिखा वो सुसाइड नोट था। पोस्टमार्टम के बाद ओडिशा पुलिस ने मुक्ति की लाश उसके घर वालों को सौंप दी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब तक बेंगलुरु पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। अदालत के जरिए वो मुक्ति के सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर अब आगे की जांच करेगी। मुक्ति रंजन की मौत के साथ महालक्ष्मी मर्डर केस अब लगभग क्लोज हो चुका है, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल रह गए हैं जिनका जवाब शायद ही कभी मिले। यहाँ तक कि महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, बेंगलुरु पुलिस अब तक वो बरामद नहीं कर पाई है, शायद कभी बरामद भी ना कर पाए। साथ ही महालक्ष्मी के कत्ल में अगर मुक्ति की मदद किसी ने की है तो उसका सच भी बाहर आना काफी मुश्किल है। हालांकि बेंगलुरु पुलिस महालक्ष्मी के परिवार और उसके दोस्त अशरफ से अब भी पूछताछ कर रही है। मालूम चला है कि महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। मुक्ति रंजन की माँ बताती है, मेरे 3 बच्चे हैं। मुक्ति रंजन सबसे छोटा था, वो 2 साल से घर नहीं आया था। अचानक रात में 10 बजे आया, बहुत टेंशन में था। आते ही बोला माँ चाय बना दो, फिर खाना मांगा। सुबह 4 बजे तक वो घर में रहा, इसके बाद चला गया। जाते वक्त लैपटॉप, अंगूठी और चेन ले गया। मुक्ति के भाई का भी कहना है कि मुक्ति अपनी सैलरी का पूरा पैसा महालक्ष्मी पर ही खर्च कर देता था, इसके बावजूद उससे और पैसों और तोहफों की डिमांड करती थी। महालक्ष्मी के कत्ल और लाश के 59 टुकड़ों की कहानी अब चाहे कोई कैसे भी सुनाए, पर हकीकत यही है कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन रॉय के रिश्ते, झगड़े की असली वजह और इस कहानी की पूरी साजिश का सच अब सामने लाना नामुमकिन है, क्योंकि इस साजिश, इस कहानी, इस रिश्ते और इस कत्ल के 2 ही किरदार थे, एक महालक्ष्मी और एक मुक्ति रंजन रॉय, और दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे इस मर्डर केस में जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।